चलिए अस्सलाम वालेकुम, दिस इज योर होस्ट मोशन सुहेल एंड यू आर वाचिंग नॉक टू हॉट लाइव फॉर पीएसएल 8 एंड टुडे वाज द लास्ट डे ऑफ द लीग मैचेस, यानी कि जो प्लेऑफ से पहले के मैच है, 30 मैच पीएसएल के होने थे, आज 29वां और 30वां मैच था, दोनों की पॉइंट्स टेबल पे कोई वैल्यू नहीं थी, लेकिन फाइनल मैच तो होने हैं तो मैच हुए। पहला मैच है इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस पेशावर ज़ल्मी, और इस मैच में सिर्फ एक फायदा ये हो सकता था कि अगर इस्लामाबाद जीत जाता तो इस्लामाबाद कुड बी एंडेड ऑन द नंबर 2 पोजीशन, लेकिन ऐसा हो ना सका और पेशावर ने मैच बहुत इजीली जीत गया और इस्लामाबाद थर्ड नंबर पर एंड किया। मैं थोड़ा बता दूं, पेशावर ज़ल्मी ने 179 रन और पेशावर ज़ल्मी 166 रन बना के आउट हो गया 119.4 ओवर में, ऑल आउट 13 रन से ये मैच हार गया इस्लामाबाद यूनाइटेड। ऑन द अदर हैंड आज एक मैच जो कराची वर्सेस लाहौर का लास्ट मैच ऑफ द लीग ऑफ पीएसएल 8 इन लाहौर, इस मैच की कोई वैल्यू इसमें नहीं थी बिकॉज लाहौर जीतने पर भी वन पे रहता, हारने पर भी वन पे रहता, कराची जीत के बावजूद भी टूर्नामेंट से बाहर था। बहरहाल लाहौर कलंदर ने महिला के ट्राई किए जो कि अच्छी बात है, कितने मुझे तो लाहौर कलंदर, लेकिन ये मैच हार गया और बहुत बुरी तरह हार गया, 110 रन का ऑल आउट हो गया और वो आपको 197 रन का जो कराची किंग ने टारगेट दिया था। तो दूसरा मैच मायूस हुआ, लाहौर का क्राउड भर गया था लेकिन लाहौर के हारने से वो मायूस रहे, लेकिन लाहौर में सिर्फ ट्राई लिया था जो कि बुरी बात नहीं थी, शाहीन आफरीदी खुद भी नहीं खेल रहे थे तो मैच को खैर उसकी वैल्यू नहीं थी, लेकिन पहले मैच में जरूर कुछ ना कुछ फैक्टर था जो नहीं होता था। हमारे साथ मौजूद है हमेशा की तरह हमारे रेगुलर पैनलिस्ट मेरे को होस्ट जफर भाई, अस्सलाम वालेकुम, और जफर भाई के साथ साथ है हमारे वो मेहमान जो पीएसएल में हमें जिन्होंने ज्वाइन किया, कल अपनी तबीयत के चक्कर में बीच शो में इनको जाना पड़ गया, वोमिटिंग वगैरह हुई इनको, मामला डॉक्टर के पास गए, आज ये मोहब्बत में आप सबकी बेहतर होकर फटाफट वापस आ चुके हैं, आप लोगों से मैंने दुआओं की अपील की थी। ये है हमारे वाले साहब सैयद अफजल अख्तर साहब, कंट्रोवर्सी जो बाबर आजम शादाब और शाहीन की चल रही है फॉर द नेक्स्ट अपकमिंग सीरीज अगेंस्ट अफगानिस्तान, पर उस पर बात करने से पहले हम थोड़ा थोड़ा सा आज के मैच पर डाल लें नजर, उसके बाद हम आ सकते हैं। पहला मैच इस्लामाबाद जफर भाई कुड इजीली विन इट, 173 रन का टारगेट इस्लामाबाद जैसी बैटिंग आने के लिए कुछ नहीं है, बट उन्होंने लाइटली लिया, आदम खान नहीं खेल रहा था तो क्या पूरी टीम दे रही हुई, क्या हुआ ऐसा कि इस्लामाबाद जो दूसरे नंबर पर एंड करके अपने आप को दो मौके दे सकता था फाइनल पहुंचने के, उसने अपने आप को खुद मुश्किल में डाल लिया और अब दो मौके उसको खुद लेने पड़ेंगे फाइनल पहुंचने के लिए। जी बिल्कुल ऐसा ही है, हालांकि इस्लामाबाद जो आजम खान के नहीं होने से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए था क्योंकि उनके पास गुरबाज जैसे बैट्समैन था, एलेक्स हेल थे, कुछ आजम खान फॉर्म में आ गए हैं जी, लेकिन मसला ये है कि मैं समझ नहीं पा रहा कि उनकी बॉडी लैंग्वेज में शुरू से ही करीब की फील्डिंग से अंदाजा हो गया था, बल्कि दोनों टीमों की बात करूँगा मैं, पेशावर की बात करूँगा और इंडिया की बात करूँगा, लग नहीं रहा था कि जैसे पीएसएल के शुरू में जान मानने वाली टीम होती है ना फील्डिंग में, बॉलिंग में, बैटिंग में, हालांकि ये इस्लामाबाद के लिए अच्छा वो था, अगर थोड़ा सा ज्यादा मेहनत कर लेते बहुत बेहतर था, बहुत फायदा होता, बहुत बेहतर होता, लेकिन समझ में नहीं आया फिर वो तब्दीलियां आज देखा शुएब मखलूक को डाल दिया उन्होंने आखिरी, हां शुएब मखलूक आपकी ख्वाहिश पूरी हुई लेकिन कुछ कर नहीं सके, एक मैच में क्या एक मैच किसी चीज की बुनियाद थोड़ी, अब एक मैच में अखलाक अहमद को डाल दिया कराची किंग ने जी 50 मार गया, लेकिन एक मैच से कुछ नहीं होता जी, टी ट्वेंटी में बात ये है कि जब वो था तो जो खिलाए नहीं, जब तो मुल्तान सुल्तान से वो दो सीजन बहुत टॉप के खेला जी, उन्होंने बेंच बिठा के रखा, रीजन पता नहीं, इंजर्ड होता तो आज भी नहीं खेल रहा होता जी बात, हाँ लेकिन खराब कंट्रोलिंग पॉइंट बात ये है कि वो एग्रेशन मुझे नजर नहीं आया इस्लामाबाद की टीम में जी जी, ना बॉलिंग में नजर आया ना दोनों टीमों में नजर नहीं आया, बस जीत गया हार गया अभी बात ये जबरदस्ती है। अच्छा मैं शुरू करने से पहले अपनी टीम से पूछना चाहता हूँ, क्या हम फेसबुक पर लाइव हैं, हैं हाँ मुझे मुझे प्लीज सिग्नल कर दिया जब हम फेसबुक पर लाइव हैं ठीक है। पापा इस्लामाबाद का आपने पूरा मैच देखा, इस्लामाबाद अपने आप को आसानी में डाल सकता था, मुश्किल में डाल दिया, क्या वजह थी, क्या लाइट ले लिया या आजम खान पर पूरी टीम डिपेंड कर रही है? नहीं नहीं आजम खान को डिपेंड नहीं कर रही,
मैंने जो मैच देखा तो मुझे देख के अंदाजा हुआ कि उन्होंने सीरियसली मैच को खेले ही नहीं। जी मतलब ये कि 180 का टारगेट था और वही पंडित की विकेट थी जिसमें 250 रन बन गए थे। जी तो मैंने पिशावर वाली मैच तो नहीं देखा, जो बैटिंग थी उनकी वो तो नहीं देखी, लेकिन अच्छा मुझे पता नहीं था कि दो मैच हैं। वो तो इतफाक से मैंने टीवी खोला तो पता चला कि वही 180 का टारगेट है, लेकिन जो आजम के अलावा बाकी पूरी टीम खेल रही थी, लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनके खेलने का अंदाज ये बता रहा था कि मतलब वो सीरियसली खेल रहे हैं। जबकि ठीक है आप प्लेऑफ में पहुंच चुके, शावर भी प्लेऑफ में पहुंच चुका है, लेकिन इनके लिए तो एक बड़ा बेहतरीन चांस था सेकंड पोजीशन होल्ड करने का। कोशिश की वरना मैच तो वहां जब आसिफ अली आया था खेलने के लिए तो आराम से ये बना सकते थे। आसिफ अली ने 23 टूर्नामेंट में खेला, आज भी उन्होंने वही किया। उसके बाद हसन अली आए, उन्होंने भी पहली बॉल पे ऐसी कैच उठा दी, पता लग रहा था कि वो तो और उन्होंने सबसे बड़ा स्टर्लिंग को आज फिर चांस दे दिया, पॉल स्टर्लिंग जो है आयरलैंड के ओपनर। आप ये देखिए मेरी ये भी वजह समझ में नहीं आ रही, क्यों चांस दे दिया बेहतरीन ओपनर है, जबकि आज गुरबाज भी ओपनर नहीं आए थे, 14-15 नंबर पे आए थे वो। अच्छा एक 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 सवाल है मैं आप लोगों की तरफ डालता हूँ, इसके बाद आगे जाएंगे। देखिए पीएसएल का जो या किसी भी लीग का एक जो क्राइटेरिया है, अब पीएसएल में 13 फरवरी से मैच चल रहा है और बैक टू बैक में दो दिन के गैप के बाद में फिर मैच के अलावा पोस्ट मैच या मैच के ऑफ द फील्ड इतनी एक्टिविटीज है प्लेयर्स की, ना सिर्फ नेट पर, प्रैक्टिस पर, प्रेस कॉन्फ्रेंसेज, फिर होटल टूर्स, फिर कोई ना कोई स्पॉन्सर्स के साथ कोई इवेंट, मतलब कोई भी प्लेयर 30 मैचेस दिन के लिए वो इतना एंगेज है उसको आराम करने का मौका सिवा रात की नींद नहीं मिलता। तो क्या ये ज़रूरी नहीं है पापा और सर भाई कि आपके पास जब 15-16 का स्क्वाड होता है आपको रोटेशन करके खिलाना चाहिए, क्योंकि किसी भी एक प्लेयर को अगर आप इतना लोड दे दोगे और की प्लेयर हो तो फिर तो वो अब एंड में आके हमें नज़र आ रहा है, हमने कोटा में देखा, हमने इस्लामाबाद में आज देखा, हमने आज लाहौर में भी देखा कि बहुत फटीक लग रहे थे, थक गए यार, मतलब कुछ निकालने वाला है। अगर ये रोटेशन होती है, आप देखें आज कराची में, अभी कराची में बात करें, अखलाक को खिलाया या जो नए उद्दीन उस्मान को मुल्तान ने खिलाया, जो नए लड़के खिला रहे हैं, जो हंगर था जिनका वो वो पीछे बैठते हैं, वो स्ट्रेंथ के साथ है, तो पीछे तो मैच खेलते आ रहे हैं, उनको देख के लग रहा है फटीक। तो लीग में रोटेशन नहीं चलनी चाहिए ना कि ये जो चल रहा है हमारे साथ, इस पर प्लीज बात करें। नहीं रोटेशन तो असल में वो जो है ना, बात आपकी सही है, मगर वो जब देखते हैं कि एक विनिंग कॉम्बिनेशन बना हुआ है तो वो उसको टेस्ट नहीं करते। अब जैसे मुल्तान है, मुल्तान में आपने देखा कि वो ओपनर जो उनका शाह मसूद है ना, उसको उन्होंने कंटिन्यू खिलाया, ये तो उन्होंने आखिरी मैच में कल जो है ना उसको जबरदस्ती रेस्ट करा है कि यार ये प्लेयर एक बैठा है, चलो अब उसको चांस देना, इनके गले पड़ गए उस्मान को, उसको चांस देना इनके गले पड़ गया, अब अगले मैच में क्वालिफाइंग राउंड में अब इनको 10 दफा सोचना पड़ेगा शान खेलेगा या उस्मान वो तो ये होता है कि वो देखते हैं यार अच्छा चल रहा है और हम इस पोजीशन में चल रहे हैं कि जहां हम विनिंग ट्रैक पर हैं, तो वो भी करते हैं। अब आज देखिए कराची ने जो है ना वो अपना इखलाक को चांस दिया, पांच लड़कों को चांस दिया, जबकि जो लाहौर की टीम थी ना उन्होंने आप देखे सिर्फ उनके पास शाहीन आफरीदी नहीं था, बाकी टीम खेली है, सिर्फ शाहीन आफरीदी नहीं था मेन बॉलर, मतलब कैप्टन नहीं था, है ना, बाकी हारिस खेला है, जमान खेला है, कैप्टन भी जो था तो वो मोस्ट सीनियर प्लेयर दुनिया का, सिर्फ रविंद्र का नहीं, दुनिया का मोस्ट सीनियर प्लेयर था। तो बात ये कि उन्होंने आप देखें लाहौर को अगर क्लास आउट किया है तो आपके पास ना मोहम्मद आमिर थे ना आमिर यामिन थे,
रोहित ने सर अपने बॉलिंग पे क्लास आउट किया है तो अच्छा अब वो दबाव में नहीं था ना, ना कराची पे वो दबाव था कि भाई मैच जीतना जरूरी है, ना उन पे दबाव था। पर कराची के लिए एक बड़ी बात ये थी कि भाई लाहौर में होम ग्राउंड पे उनको हराना है, तो दो मैच कराची जीता है दोनों लाहौर से, फायदा तो बस वो बात है। एक बात सर ये सामने आती है, ये पांच लड़के जो उन्होंने इंडक्ट किया कराची किंग ने, उनमें एक लड़का इखलाक खेला, उसका पहला मैच था और उसने 50 भी मारे और T20 वाली क्रिकेट खेली, आपने देखा होगा। हाँ ठीक है ना, और हमारे मैनेजमेंट हम गुजश्ता दो दिन प्रोग्राम से उसका नाम लेते रहे थे, वहाँ पे इखलाक भी बैठा हुआ जो कि अच्छा बैठे थे, हमने आपके वकास अगर चल रहे, न्याजी आज भी न्याजी ने सारे मैच खेले, आज भी वो खेले लेकिन कोई आज तो जीरो में चले गए बिल्कुल, उन्होंने कोई अच्छा तासर मैच खेला कासिम वगैरह में, वो भी ऐसे सैयद ताहिर आज का मैच अच्छा खेला या पहला मैच उन्होंने अपना अच्छा खेला या एक आध मैच 30-35 रन का खेला था, तो क्या है देखो मैनेजमेंट को पता नहीं था या क्यों नहीं पता था। जैसे सैयद ताहिर ने अपना इंटरव्यू दिया कि मुझे हेड कोच ने पूछा तुम कौन से नंबर पर खेलते, बेंच उनको जब मैनेजमेंट को कराची किंग की या किसी भी अपनी बेंच स्ट्रेंथ का पता ही नहीं होगा कि कौन सा प्लेयर क्या है, किस कैलिबर का है, बैट्समैन है बोल रहे बैट्समैन है तो किस नंबर पे, इसका बताएं जरा आप कुछ नहीं। वो उसमें तो मसला ये कि मुझे तो कराची के मैंने जितने मैच देखे ना सारी मैच देखे, सारी देखे तकरीबन, अब चूंकि जब टीम क्लोज पहुंच के भी हार रही होती ना तो टीम मॉरली डाउन हो जाती। अच्छा फिर टीम से ज़्यादा डाउन आपकी मैनेजमेंट नज़र आ रही होती, वो बाहर बैठी भी उनके फेस एक्सप्रेशन देखे आप उनमें कोई स्पार्क ही नहीं होता कि भाई आप आओ ज़रा ग्राउंड के करीब आके बताओ, हेड कोच जो है कोई वो तो वहाँ बैठे बैठे बस उनका है। तो जब आपकी मैनेजमेंट का ये हाल होगा तो टीम जो अंदर फाइट कर रही है जब वो क्लोज पहुँच पहुँच के मैच हार रहे हैं, फिनिश नहीं कर पा रहे, विनिंग ट्रैक पे नहीं आ पा रहे, तो फिर जब वो देखते हैं कि भाई हम तो टूर्नामेंट से बाहर होने वाले हैं तो फिर वो जाहिर है कि उनकी परफॉर्मेंस पे तो असर पड़ता है। अब एक खाली कप्तान अपनी परफॉर्मेंस से क्या कर सकता है, तो फ्रंट फुट पे खेला आपके सामने, उसने हर मैच में कोशिश की, आज भी की। तो अब जब आपके दूसरे लड़के क्योंकि 11 लड़के खेलने होते हैं तो उसमें 3 या 4 ही की परफॉर्मेंस होती है, 11 के 11 की तो नहीं होती। हाँ। 4 बॉलर खेल रहे हैं तो 2 बॉलर परफॉर्म कर जाए, 2-3 बैट्समैन ऊपर से क्लिक कर जाए, आप विनिंग ट्रैक पे आ जाते हो, तो लेकिन वो उनमें वो चीज़ ही नहीं नजर आई ना क्वेटा में। क्वेटा अपना आखिरी 2 मैच जरूर अच्छे खेला है, जैसे कल का था 262 वो आप उस टाइम पर कहेंगे नौ रन ज्यादा, मतलब ये कि नजर आया ना, तो आप कह नहीं सकते ना कि यार फाइट नहीं हुई, कुछ किया नहीं, आखिर तक गए वो, मतलब ये कि वो भी आउट हो गए थे तकरीबन, लेकिन उन्होंने आखिरी 2 मैच में फाइट दिखाई। सही। तो ये चीज अगर शुरू से नजर आए ना तो कैसे आएगी, वही तो मैं कह रहा हूँ फटीग है ये, आप हमारी लीग 8 साल पुरानी हो चुकी है लेकिन हमारे लोग मैच्योर नहीं हो रहे ना, कि लीग में चलते कैसे हैं, नहीं सारा सारा कसूर मैनेजमेंट का है, चाहे वो क्वेटा की मैनेजमेंट हो या कराची की हो। आप उनका जब आप डक आउट देखे ना बाहर के, आप उनकी मैनेजमेंट देखे ना, आप बॉल पेन लिए डायरी लिए बैठे हुए खाली आपस में बातें कर रहे हैं, किसी ने चौका मार दिया हल्के हल्के दोनों हाथ को हिला दिया। आप टेरेंस हेमी को देखें पेशावर के बाउंड्री पे खड़ा, वो कप्तान को बता रहा होता है और जैसे थोड़ा सा ब्रेक होता है तो ग्राउंड में भी घुस के बताता है, भले नजर इसकी मार रही है, हेमी का इंटरेस्ट तो बिल्कुल वो उसका शो कर रहा, अच्छा इन है ना, इन है गेम में इन्वॉल्व है। हाँ। जबकि आज तो उन्हें पता था कि हम पहुंच गए, हम भले जीत भी आए तब भी हम 4th पोजीशन पे होंगे, लेकिन वो आज भी जीता जीतने के लिए जो है ना उनके हौसले बढ़ा रहे थे। तो ये चीज होती है, मैनेजमेंट का बड़ा फर्क पड़ता है कि आप प्लेयर को समझाएं बताएं कहां गलती कर रहा है क्या। तो बहरहाल ये कि अब तो खैर खत्म हो गया टूर्नामेंट और पोजीशनें भी वाजे हो गई, लेकिन ये जरूर अफसोस हुआ कि आज इस्लामाबाद के पास एक बेहतरीन चांस था नंबर 2 पे आने का, तो वो उन्होंने अपना जाय कर दिया।
अब क्या स्टेबिलिटी थी ये मेरी समझ में नहीं आया कि आप तीन नंबर पे रहना चाह रहे थे या जानबूझ के किया है भाई, या आप मतलब आपने जानबूझ के किया कि हम तीन और चार आपस में खेल रहे थे, तो दो नंबर पे आप लाहौर से खेलना नहीं चाह रहे थे उनकी बॉलिंग के आगे दूसरी टीमों की बॉलिंग नहीं है, तो हो सकता है इनके दिमाग में ये हो कि यार हट पे ही रहो, टू पे आने की जरूरत नहीं, मुल्तान और इनको लड़ने दो आपस में, क्या बोले। हालांकि इस्लामाबाद के लिए आज का स्कोर टेस्ट करना हमारे हिसाब से कोई नामुमकिन बात नहीं, आराम से कर सकते थे, लेकिन बस मेरी समझ। अच्छा मैं थोड़ा सा बता दूं, मैं थोड़ा आप लोग डिस्कशन कर रहे थे कि हम फेसबुक पर भी आज लाइव है साथ साथ बिल्कुल, तो बहुत से लोग हमें फेसबुक पर भी देख रहे होंगे, तो मैं उनको बता दूँ कि आप फेसबुक पर भी देख सकते हैं साथ साथ। आप से रिक्वेस्ट मेरी ये है कि जो फेसबुक पर मैं देख रहा हूँ वो जब मिल करके यूट्यूब पर भी जरूर आए और यूट्यूब पे कंटिन्यू करें, बट फेसबुक पर सिर्फ इसलिए लगा दिया क्योंकि फेसबुक पे लैग जाता था, तो इस बार मैंने फेसबुक पे ऑन द स्पॉट लगा दिया, साथ साथ गेम जा रहे हैं। तो काइंडली फेसबुक पे जो भी लोग हैं जो हमें मतलब ज्वाइन करेंगे उनसे रिक्वेस्ट है कि वो यूट्यूब पर ही आ गया हमें कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू जी, प्लीज कंटिन्यू। तो ये है भाई बात ये कि अब इसका तो इंतजाम हो गया। अच्छा अब इसमें चले हम आगे चलते हैं थोड़ा सा मैचेस पे, तो चले अब आज के मैच पे ज्यादा डेप्थ डिस्कशन क्या करेंगे। प्ले ऑफ के लिए आपकी चार टीमें फाइनल है, लाहौर खेलेगी मुल्तान के साथ अपना पहला क्वालिफायर, जो जीता वो चले जाएगा फाइनल गेम, जो हारेगा वो खेलेगा पिशावर और इस्लामाबाद के दरमियान जो मैच होगा उसमें से जो जीतेगा उससे खेलेगा और उनमें जो जीतेगा फाइनल पहुंच जाएगा। अब मुझे आप ये बताएं जो चारों टीमों के बारे में, पाँच पाँच मिनट ज़्यादा लंबा नहीं लेंगे, पाँच पाँच मिनट में आप चारों टीमों की तैयारी बताते हैं। ग्रेजुअली पहले मुल्तान की बात करते हैं, मुल्तान की तैयारी बताते हैं, प्ले ऑफ के लिए बिल्कुल रेडी है वो, किस प्रोडक्ट के साथ रेडी है प्लीज बताइए। नहीं वो तो अपने फुल स्ट्रेंथ के साथ आएंगे, अब इसके बाद तो कोई चांस ही नहीं है ना जी। तो आप देखें ना, मैं अभी जो बात कर रहा था कि हो सकता है इस्लामाबाद ने ये प्लान किया हो कि भाई हम थर्ड पोजिशन पे रहे, सेकेंड पे हमें खेलना पड़ेगा लाहौर से, तो उनको थर्ड पोजीशन ही सूट करती है, लेकिन ये भी जहन में नहीं रखा उन्होंने कि अगर हम सेकंड पोजीशन में आ जाते तो हमें एक चांस मिलता, और चांस मिलता तो एक टीम का दो बार जीतना मुश्किल होता। अब ठीक है ना, ऊपर की दोनों टीमों में से एक तो फाइनल में पहुंच जाएगी ना, चाहे मुल्तान चाहे लाहौर। अब जो हारेगी वो लाहौर, वो इस्लामाबाद और पेशावर ने जो जीतेगा उससे दोबारा खेलना पड़ेगा, तो यानी थर्ड और फोर्थ पोजीशन पे रहने वाले को दो बार मैच जीतना है। जैसे मतलब वही ना, असल में तो जंगी प्ले ऑफ में होती है कि आप वन और टू पे एंड करें। अच्छा मैं जल्दी से लोगों के बारे में बता दूं, ताबिश नासर ने सलाम भेजा है, और पापा आपकी तबीयत के बारे में पूछा है। हाँ शुक्र अल्लाह का ठीक है। मोहम्मद बिलाल है हमारे साथ, थम्स अप दे रहे हैं, थैंक यू मोहम्मद बिलाल, प्लीज कीप वाचिंग एंड जी कंटिन्यू। अब मुल्तान सुल्तान में और लाहौर में सुहेल साहब किसके चांसेस हैं? मुझे तो मुल्तान के ज्यादा, मुल्तान में से लाहौर में मुझे भी उसी के लग रहा है, क्योंकि आज भी देखे मैं जैसे पिछले मैचेस में बोलता हुआ रहा हूँ, मोहतिन साहब का कि बैटिंग में मुझे कंसर्न लग रहा है लाहौर की, लाहौर और आज भी आप देखे टॉप ऑर्डर में खेल रहा उनका, जिस टॉप ऑर्डर उनका आउट होता है तो उनको मिडल ऑर्डर में बड़ी प्रॉब्लम होती है जी, वो आज भी नजर आएंगे। जबकि मुल्तान का टॉप ऑर्डर भी बहुत अच्छा है और मिडल भी बहुत, कोई वैसे अगर हो गई तो ऐसी बात जैसे क्रिकेट में हो जाती तो मुल्तान हार जाएगा ना, तो मुल्तान का टिम डेविड है, रोसो है, मुल्तान की अगर कॉम्बिनेशन बात करें, मुल्तान को सबसे पहले तो मुल्तान में मिलियन डॉलर क्वेश्चन है कि शायन शान मुफीद खेलेगा उस्मान खान खेलेगा, तो प्रॉब्लम उस्मान खान ही खेलेगा अगर 150 इतना फास्टेस्ट सेंचुरी और बनाने के बाद ड्रॉप तो करेंगे नहीं। ठीक है लेकिन थोड़ा सा
नहीं आप थोड़ा फेवरेट बिल्कुल इधर लग भी ऐसी रहा पेपर के मुल्तान की बैटिंग जो अगर करें तो उस्मान और रिजवान आएंगे फिर रायली रूस तो ये तो भी नहीं कह सकते नहीं मैं आप मैं खुद जाना है 1 मिलियन डॉलर पोजीशन में 1 मिलियन डॉलर ये बाद में पता लगेगा तो शान मसूद ने डालेंगे वो या अगर हो सकता दोनों को डाल किसी को भी नाम कर दे नहीं नहीं नामुमकिन उसकी वजह ये भाई आपके 3 मिडिल ऑर्डर है राइली रूसो फिर आता है पोलार्ड ब्रदर टिम डेविड जो बैटिंग में सुल्तान सुल्तान का जो बैटिंग लाइनअप है ना वो लाहौर कलंदर से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बैटिंग स्ट्रॉन्ग अच्छा लाहौर कलंदर के साथ आप पहले साल से देख लेंगे बैटिंग उनके ऊपर से फेल हुई तो नीचे तक फेल हो जाते आज भी 100 रन नहीं बन रहे सैम बिलिंग है ना 100 रन नहीं बन रहे थे आज 110 बने लेकिन 100 भी नहीं बन रहे थे तो इनके साथ हमेशा ये होता है कि अगर आप के ऊपर के दो तीन बॉर्डर निकल गए स्ट्रगल करते हैं तो मुश्किल हो जाती है तो मैं समझता हूँ कि मुझे चांस ज्यादा है कि मुल्तान सुल्तान जो है नहीं मुल्तान सुल्तान मुल्तान सुल्तान भी आ गई है फॉर्म भी आ गई है बॉलिंग भी अच्छी है बॉलिंग में एहसानुल्लाह करेगा अब्बास करेगा उसके बाद थर्ड चीज उसामा मीर करेगा उसके अलावा इसके थर्ड सेकंड चेंज बॉलर कौन आता है मुझे याद नहीं अनवर अली आई थिंक हाँ मुल्तान सुल्तान की इस वक्त जो फॉर्म रिगेन हुई है उसमें लेकिन यार मसला ये लाहौर की बॉलिंग इतनी स्ट्रांग है लाहौर 150 के बाद भी डिफेंड कर लेता है यार बॉलिंग क्या स्ट्रांग है आज आप हारिस राउत को देखा आपने बाबा हारिस राउत ने सीजन में थोड़ा डिसअपॉइंट किया लेकिन ओवरऑल अगर नीचे जब आता है तो हारिस राउत इतना आराम से नहीं बैठता जमान खान भी बैठता शाहिन अफरीदी नहीं बैठता बैटिंग करके 225 रन बोर्ड पे टांग दिए तो जब लाहौर कलंदर अच्छी बॉलिंग है लेकिन जरूर थोड़ी तीनों चारों बॉलर आपके कामयाब हो ही जाए मतलब अगर मैं डिस्कशन को इस तरह समाप्त करूं लाहौर और मुल्तान के लिए कि ये टॉप टू पे पहुंची है सबसे पहले तो डिजर्व करती थी टॉप टू पे आने में 14 पॉइंट लेके दोनों टीमें नहीं 14 और 12 दोनों टीमें पहुंची हुई है और अच्छे क्रिकेट खेल के पहुंची है खासतौर पर लाहौर अच्छे क्रिकेट और मुल्तान भी खैर मुल्तान ने फर्स्ट हाफ बहुत अच्छा खेला सेकंड हाफ में 3 मैच हारने के बाद लास्ट 2 मैच निकाले उसने तो तैयार होकर बैठी है और दोनों में से ऑन द डे जो अच्छा खेलेगा पहुंच जाएगा लुक्स लाइक जो इस कॉम्बिनेशन मुल्तान का बना हुआ है लग ऐसा रहा है कि मुल्तान जिस तरीके से अपने फ्रेश ब्लड के साथ आ रहा है मुल्तान रोटेशन भी कराई है इसकी वजह है ना हर मैच को निकलाया वजह है ना वो अपने गलतियों से सीखते चलेगा और जगह खाली जगह टिक करते जाएगा ऐसे और उसको फिल कर दिया और कोई सिंगल हैंडेडली हर मैच किसी ने जीता है कोई राइडर रूस ने जीता है कोई रिजवान ने जीता है कोई उस्मान ने जीता है कोई शान मसूद ने जीता है कोई टिम डेविड ने जीता है कोई पोलार्ड ने एहसानुल्लाह किया अलग है अब्बास किया अलग है तो ये बड़ी ऑलराउंड परफॉर्मेंस है मुल्तान इज लुकिंग लाइक इस्लामाबाद और पेशावर का पहले पेशावर की बात करूंगा पेशावर जो है वो अपनी फॉर्म रीगेन कर चुका था आज का मैच भी जीत गया पेशावर इस्लामाबाद से पिछले 2 मैच 250 करके चेज नहीं करता लेकिन पिंडी में किसी ने भी चेज नहीं किया तो उसको तो छोड़ दें तो पेशावर भी एक स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन के साथ आ रहा है बिल्कुल आ रहा है इन दोनों में होगा मसला 50% है इसकी बैटिंग क्लिक कर गई ना भाई बट बैटिंग दोनों क्लिक कर जाए बॉलिंग का मसला है बॉलिंग तो दोनों की तो इतनी बुरी नहीं इस्लामाबाद की बॉलिंग भी कोई बुरी नहीं है इस्लामाबाद की बेहतर है पेशावर की पेशावर की अच्छे बॉलर है ऐसी बात नहीं है मतलब दोनों के पास भी पाकिस्तान वो नहीं है नारे से वो शाम मौजूद है या राशिद खान जी लेकिन अच्छे बोलर हैं मतलब ये है कि ऐसे नहीं आवाज से ऐसे में गलती ये हो रही है कि वो ओवर कॉन्फिडेंस है बैट्समैन उनके पास बहुत अच्छे ऊपर के 3-4 लेकिन वो ओवर कॉन्फिडेंस हो के मतलब के बाद ही हमने तो ऐसे ही खेलना है ठीक है खेलो आप हार या पार वो सही है लेकिन बाद मैच को जब इतने बड़े आप स्टेज पर पहुंच जाओ कि जहां आपको कप उठाना हो ट्रॉफी उठानी हो तो फिर आपको जो है ना गेम को
गेम के हिसाब से अपनी स्ट्रेटेजी को तब्दील करना पड़ता है कि हर वक्त तेजी नहीं खेल, मतलब आपकी विकेट गिर रही है तो तब भी आप मौका देखो कि अब हमें इस वक्त किस एवरेज से खेलना है। यही वजह है कि वो 200 भी बना लेते हैं, 250 भी बना लेते हैं और 100 पे भी आउट हो जाते हैं और 90 पे भी। आपको ऑलराउंडर के तौर पर वो खेल रहा है, शाहीन अफरीदी वर्सेस रिजवान, अच्छा बाबर, शादाब वर्सेस बाबर, और चारों कैप्टन यंग, कुछ किया ना किया हो, एक यंग ब्रिगेड को तैयार कर दिया कैप्टनसी। लेकिन एक मसला भी हो गया इसके साथ, क्या मसला? ये जो कंट्रोवर्सी, इनफैक्ट हमारा थंबनेल भी आ जाएगा कि रमी ज्यादा फरमाते हैं कि 90s की क्रिकेट में सबसे बड़ा अलमिया यह था कि 90s की क्रिकेट में एक टीम में 11 प्लेयर होते थे और 11 में से 5 कप्तान खेलते थे, जिसकी वजह से एक दूसरे में जंग होती थी और फिर एक दूसरे को नीचे गिराने के चक्कर में परफॉर्मेंसेज नॉन परफॉर्मेंसेज में तब्दील हो जाती थी। आपके पास यहाँ बाबर आजम के साथ बड़ी मेहनत करके टीम खड़ी की थी, लेकिन बाबर आजम के साथ अब आपने जो रिसेंटली इतनी कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट कर दी और अभी PSL से आपने और कैप्टन खड़े कर दिए और अब शाहीन को आप कप्तानी की तरफ भेजने जा रहे हैं, तो आपने आपस में प्लेयरों में जंग पैदा कर दी। अच्छा, ये तो अभी कॉन्ट्रोवर्सी है, लेकिन बाबर आजम निकल के आ गए सामने, बाबर आजम ने कह दिया कि आई एम नॉट रेस्टिंग इंडिया अफगानिस्तान सीरीज, मैं खेलना चाहता हूँ, मेरी फॉर्म भी अच्छी है, मुझे अब तक मैसेज नहीं आया ड्रॉप होने का और मैं होना भी नहीं चाहता, तो मुझे तो खेलना है। लेकिन बाबर आजम ने PCB की जो सोच थी उसको राइट अवे कैमरे पे आके मना कर दिया, शादाब से बात की, शादाब ने मना कर दिया, रिजवान भी अपसेट है कि मुझे नहीं ड्रॉप होना, ड्रॉप किसी को नहीं होना, अफगानिस्तान के खिलाफ भी टॉप प्लेयर थे ये और ये सोच नहीं रहा है कि मुल्क के लिए क्या, बाकी को चांस दे दो, हम तो चाहे वो अच्छा खेले बुरा खेले जो आएंगे रिप्लेसमेंट इनकी अफगानिस्तान में, फिर भी इनको अगली सीरीज में आ जाना वापस, तो 3 मैच भी नहीं छोड़ रहा है। आपसे और ये सुरेंद्र साहब हर प्रोग्राम में पिछले कहते हुए आ रहे हैं भाई, तो आयरलैंड और जिम्बाब्वे खिलाफ भी नहीं बैठना चाहते जी, इनकी बेंच स्ट्रेंथ कैसे मजबूत होगी, जो लड़का आ जाता है बेचारा उसी बेंच से वापस पाकिस्तान वापस आ जाता है या घर चला जाता है, तो कब चांस देगा आपका अपना मजबूत बेंच बनाएंगे, आप चाहते ही नहीं। अब बाबर आजम के इस बयान में मुझे देखना है कि PCB क्या बयान देता है, क्या ताकत दिखाता है, प्लेयर पावर या PCB पावर, मुझे ये देखना होनी क्या चाहिए, प्लेयर की पावर चाहिए या PCB की पावर चाहिए। नहीं, अब जब एक जमाने PCB अपनी पावर दिखाता है तो कहते थे टीम तो प्लेयर से चलती है, बात ये कि दुनिया भर में होता है रोटेशन पॉलिसी, रेस्ट पॉलिसी, कोई पाकिस्तान में ऊपर से नाजिल नहीं हो रही, पूरे वर्ल्ड में शुरू हो चुकी है चीज और उस पर इम्प्लीमेंट भी हो रहा है, और किसी को एतराज नहीं होता, इंग्लैंड में बड़े बड़े प्लेयर बिठा देते हैं वो वेस्ट पे, इंडिया में बिठा देते हैं, ऑस्ट्रेलिया में बिठा देते हैं, नाम लेने की बता सकता हूँ मैं, लेकिन यहाँ पहली दफा ऐसा हो रहा है तो उस पर वो आपके कप्तान साहब नहीं, लेकिन मैं दफर को कंटिन्यू करूँगा, मैं बता दूँ मेरा सैयद मोमिन हमारे साथ हैं, तबीयत खराब होने पर भी यही नजर क्रिकेट पर, शायद आपके लिए कह रहे हैं, नाम नहीं लिखा उन्होंने, और लाहौर की टीम अच्छी है बट लाहौर भी कम नहीं है किसी से, लाहौर की टीम अच्छी है बट लाहौर भी कम नहीं, मुकाबला सख्त है, लाहौर की टीम अच्छी है बट लाहौर भी कम नहीं किसी से, अभी समझ नहीं आया भाई मुकाबला। इस्लामाबाद की टीम जज्बाती ज़्यादा नज़र आती है बट अब वक्त है दिमाग यूज करने का, बात तो दिखा, तो मैंने इसलिए पढ़ दिया। लेकिन हमारा टॉपिक अब ये है दोस्तों, टॉपिक ये इस वक्त कि बाबर आजम को अफगानिस्तान की सीरीज में रेस्ट करने का दाग दिया है और वो मान नहीं रहे, तो इसका मतलब ये होगा बाबर आजम को अपनी क्रिकेट ज्यादा प्यारी है बजाय पाकिस्तान का फ्यूचर सोचने के, वो डर रहे हैं कि मुझे निकाल ही ना दिया जाए, तो अब इस पर डिस्कशन मुझे आज लंबी करनी है, और शाहीन आफरीदी के साथ जंग क्रिकेट करा रहे हैं, खुल के बात करनी है, खुल के बात देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, बल्कि बात क्या बता दूं, ब्रेकिंग न्यूज़ दे,
अफगानिस्तान से 3 वनडे हैं, ठीक है ना, उसके बाद न्यूजीलैंड से 5 वनडे कह रहा हूँ, 3 T20 है और उसके बाद 5 जो है न्यूजीलैंड से, यानी 8। अब इन 8 मैच में बाबर आजम, रिजवान, हारिस रऊफ, नवाज, ये 4 आदमी ड्रॉप। कौन कौन 4 पे बता दे, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद हारिस और नवाज, ठीक है ना, ये 4 लोग जो है ना इनको आराम कराया जाएगा। इनकी जगह जो है वो आजम खान, साइम अयूब और जमान खान और इमाद वसीम ये खेलेंगे, जो मेरी इंफॉर्मेशन ब्रेकिंग देखो, हाँ ये मेरी इंफॉर्मेशन। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद हारिस, सॉरी हारिस रऊफ और चौथा कौन बताया आपने, नवाज, ये 4 ड्रॉप हो के नवाज की जगह इमाद वसीम, रिजवान की जगह आएगा, रिजवान की जगह मोहम्मद आजम खान, आजम खान, साइम अयूब आएगा और चौथा आपने इसमें बताया जमान खान। लेकिन एक लड़का रह गया, अगर अच्छा होगा, अगर ऐसा हो जाए रिजर्विंग कमबैक करना और फहीम अशरफ, फहीम अशरफ तो हो सकता है कि वो मोहम्मद वसीम की जगह लेंगे, मोहम्मद वसीम की जगह लेंगे, मोहम्मद वसीम प्लेइंग 15 में था ना, मोहम्मद वसीम लेकिन मोहम्मद वसीम की बहुत है और शाहीन आफरीदी जो है ना वो कैप्टन। ये तो हमने वीडियो बनाया था, अच्छा आपने ये बताया जरूर है, लेकिन मैंने इससे पहले कल एक वीडियो भी डाली है, आप पब्लिक से भी मैं कहूंगा वीडियो जरूर जाके देखें, मेरी कल लगी है, लोग देख भी रहे हैं वीडियो, मैंने ये न्यूज़ ब्रेक करी अब वो, लेकिन मेरी न्यूज़ है फहीम अशरफ भी है। अब वो बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान लाख ये कहें कि जी हम रेस्ट नहीं करना चाहते, हमारी फॉर्म है, सब कुछ है, लेकिन बोर्ड इनको रेस्ट कराए, अगर बोर्ड ने रेस्ट करा दिया तो फिर हम बोर्ड की पावर मान लेंगे, इसीलिए की पावर मान लेंगे, चलो भी नहीं तो मुझे तो लगता है नहीं, प्लेयर पावर होती है। अब बोर्ड को भी पता है पीछे लड़के हमें मिल रहे, अगर अगर बाबर आजम या रिजवान कहेंगे जी हम नहीं, हम खेलेंगे और अगर आप हमें नहीं इसमें खिला रहे हो तो फिर आगे भी हम नहीं खेलेंगे, तो वो ये बात कह नहीं सकते, अगर कहेंगे तो कहेंगे, ठीक है अल्लाह हाफिज। ये हर बोर्ड नहीं कर सकता, ये तो नूर खान जैसा कोई आदमी होगा वो तो ये कर सकता है, नहीं लेकिन अपने पाँव पे कुल्हाड़ी ये लोग खुद नहीं मारे। नहीं लेकिन पॉइंट ये है ना यार कि बाबर आजम एक ब्रांड बन चुका है, और बाबर आजम जैसा ब्रांड अगर वो उसको वो बोले 3 मैच अभी यार छोटी टीम से कोई और खेल ले तो मुल्क के लिए अच्छा सोचेगा ना वो, लेकिन वो तो 3 मैच भी छोड़ना चाह रहा है, बोर्ड क्यों गए उसको तो खुद कहना चाहिए। नहीं यार बाबर आजम को तो ये इससे अच्छी तो बात ही नहीं होनी चाहिए, बट इसका मतलब ये आप रेस्ट कर लो, आप अपनी फैमिली के साथ वो वक्त गुजार लो, घर पे एंजॉय कर लो, आपको रेस्ट भी मिल जाएगा, कंटिन्यू खेलते हुए आ रहे हो यार, मतलब पैसे ही हर चीज थोड़ी होता है, है ना, आप टीम से बाहर थोड़ी हो रहे हो, आप इतने बड़े प्लेयर हो, आप टीम से थोड़ी बाहर हो रहे हो कि आपको ये खतरा हो कि मैं एक दफा ड्रॉप हो गया तो मैं ड्रॉप हो जाऊँ, वो तो बात ये वो तो सरफराज जैसे के लिए था, आपके लिए नहीं है, आप तो अभी खेल सकते हो, खेलोगे एज ए कैप्टन नहीं खेलोगे, एज ए प्लेयर खेलोगे, ठीक है ना, तो आप तो खुद बोलो कि हाँ जी हमने लंबी क्रिकेट खेल ली है, अब थोड़ा हम रेस्ट चाहते हैं, और रमजान है, रमजान में अच्छा है, घर में सुबह से बैठेंगे, फैमिली के साथ बैठेंगे, इबादत करेंगे, हाँ इबादत, मतलब लेकिन वही बात है ना कि हर आदमी को पीछे डर ये है कि इसने लड़कों ने कुट्टी खटखटा दी है कि यार ऐसा ना हो, हाँ लेकिन लेकिन हाँ। बाबर आजम और रिजवान जैसे भी ये सोच होनी नहीं चाहिए, ये मैं कह रहा हूँ खासतौर पर PSL में और डोमेस्टिक में ओपनर ने ऐसा लॉकिंग की है पाकिस्तान क्रिकेट में, ये आपके रिजवान बाबर वो भी सोचे लोग परेशान हो गए कि उसको एक मैच खिलाते हैं, दूसरे में बैठा लेते हैं, फिर रेस्ट दे के ले आएंगे। आपने शाहीन आफरीदी ने देखा कंटिन्यू खेलते खेलते कितना उसको कहा जा रहा था कर दिया कि रेस्ट करा दो, ऐसा लगता है आपके पास उसके अलावा बॉलर ही कोई नहीं के बॉलर की लाइन लगी थी, लाइन लगी थी, व्यवस्थित के प्रभाव में जानता हूँ, खिलाफ लेते हैं
शाहीन आफरीदी की क्या बाबर आजम के साथ रिफ्ट हो चुकी है, लड़ाई हो चुकी है, ये सिर्फ अफवाह है? नहीं नहीं, आप अंदर के आदमी, इसलिए पूछ रहा हूँ। बात ये, उनकी लड़ाई नहीं हो चुकी, लेकिन एक वो मैच खेलते हुए इतने अफवाहें और इतने रूमर्स गर्दिश में रही है कि ना चाहते हुए भी आपस में मतलब उनके जहनों में आना शुरू हो गया और एक दूसरे के लिए अपने आप को खतरा समझने लगे, जबकि अंदरून खाना उनमें आपस में ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन बाबर आजम के जहन पे ये खतरा आ रहे, शाहरुख खान है कोई, वो कह रहे हैं नवाब शाहरुख खान की अफवाह है। यार अफवाह तो ये नहीं है, शाहीन आफरीदी उसका वो कह रहे हैं। अच्छा एम एन एसन मोशन, यू लुक वेरी अपसेट टुडे, सीम लाइक यू आर हाईली डिसअपॉइंटेड। नो नो, मैं डिसअपॉइंटेड बिल्कुल नहीं हूँ, ना ही मैं अपसेट हूँ। मेरा ध्यान असल में बिहाइंड द सीन चल रहा है थोड़ा सा, तो वो मेरी मेरे कैमरे के पीछे वाली जो एक्टिविटी है वो इतनी ज़्यादा हलचल चल रही है कि मेरा ध्यान वहाँ चल रहा है, इसे लग रहा होगा मैं मैच के अंदर हूँ। शाहरुख खान कह रहे हैं कि शाहरुख खान का नाम है ऐसा कि बल्कि पीसीबी की पूरी मैनेजमेंट को चेंज होना चाहिए, 100% सही है। हम उमैरा अंसारी कह रही हैं बिल्कुल ठीक का, अब किसने ठीक कहा, उमैरा क्लियर करें क्या ठीक का, पीसीबी की मैनेजमेंट की बात है। लेकिन बात होती है शाहीन आफरीदी और उसकी, मुझे ऐसा लगता है कि दोनों यंग हैं तो जंग तो है बॉस, लेकिन हालात बना इस किस्म का एटमॉस्फेयर दिया कि उनमें ना चाहते हुए आपस में एक दूसरे से लग जाए कि यार ये मतलब ऐसा ना हो। हालांकि अभी पीएसएल से पहले तक कहीं जहन में बाबर आजम की या किसी के नहीं था कि शाहीन आफरीदी मुझे रिप्लेसमेंट कर सकता, सोच भी नहीं सकता था ना। ये तो था कि भाई शादाब को वाइस कैप्टन बनाया और शादाब मेरे बाद अगर करेगा तो मेरी नजर में तो अभी भी शादाब इज फार बेटर कैप्टन देन शाहीन, बट रिजल्ट शाहीन का बोल रहा है क्योंकि शाहीन आफरीदी ने लाहौर कलंदर से खेलते हुए और फॉर्म इस तरह से किया, चाहे अपना जाती तौर पर किया हो ना किया, लेकिन जो मैचेस के दौरान उसने कमांडिंग पोजीशन दिखाई है, चेंजिंग है, ये है वो, इस तरह से ना नजर आ रहा होता है कप्तान जो ग्राउंड में है, ऐसे ही तो वो उससे खतरात पैदा हुए। फिर वो चाहे वो उसको रेस्ट देने के लिए ही ला रहे हो फिलहाल, अच्छा तो है, अच्छा तो अमीन शकील कह रहे हैं कि डिसअपॉइंटेड फ्रॉम बाबर्स बिहेवियर, सीम्स लाइक ही इज प्लेइंग फॉर हिमसेल्फ नाउ, कंफ्यूज्ड। आई मीन कंफ्यूजन तो है बाबर आजम, लेकिन बाबर आजम के डॉट्स में है, एक तो उसकी परफॉर्मेंस यार दिखे, वो एक एक हमारे जर्नलिस्ट है, मैं नाम ले रहा हूँ शेफ जड का, और एक है उनके साथ ही आते हैं तो बड़ा मशहूर नाम है, सब मेरे जहन से निकले, यार वह भी आते हैं, नजीब नजीब, उनकी एक जंग हुई, जंग मतलब उनकी फाइट हुई आर्गुमेंट की, उन वर्बल स्पैट हुआ, उस पर शुएब जट जो ना वो कह रहा है 7 डॉट बॉलें खेली, 11 डॉट बॉलें खेली और जैसे उन्होंने 3 डॉट बॉलें खेली, तो जिसपे उसने इतना जबरदस्त नजीब हारून ने जवाब दिया, उसने कहा कि देखे भाई उसने जब इनिंग एंड करी है ना तो 176 का स्ट्राइक रेट था, 176 का स्ट्राइक रेट कहीं भी बुरा नहीं होता, अब 176 पे जब एंड कर रहा है तो आप ये मत देखो डॉट कितनी नहीं खेली, सिचुएशन के मुताबिक खेला जाता है, एंड कितने में करते हैं, पर 10 से गिरा रहे हो। विराट कोहली ने 2.5 साल बुरा परफॉर्म किया, विराट कोहली को किसी ने 0 से 0 नहीं किया, आपका प्लेयर अभी भी परफॉर्म कर रहा है, 0 बनाए जा रहे हो। डॉट्स मिलाने की बात ये कर रहा हूँ कि बाबर आजम का पहले मीडिया ट्रायल किया, मीडिया पे लथाड़ दिया बेचारे को, फिर अब बाबर आजम मीडिया पे लथाड़ने के बावजूद इतनी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दे रहा है, जस्ट बिकॉज शाहीन आफरीदी ने अच्छी टीम जिता रहा है तो आप उसकी सीट पर ला रहे हो, ये बात भी। और फिर वो मीडिया ट्रायल हो गया कि बहुत सारा एक हल्का अहबाब है शायद खुलकर ना बोले शाहीन आफरीदी को सपोर्ट कर रहा है, ठीक है तो उसको लान, तो ये तो आप रमीज राजा का सही कह रहे हैं, बनी बनाई टीम खराब करने की साजिश है ये, देखिए ये सब कैमरे के पीछे की साजिश को समझे ना, ये सब चीजें हर दौर में चली है, ऐसा गलत चली है, नहीं नहीं चलती है और चलती रहेंगी,
हमारे मुल्क में तो जल्दी ये कुछ नहीं, लेकिन बात ये है कि बाबर आजम को इतनी जल्दी बैटअप भी नहीं होना चाहिए ना, कि मतलब अगर आप को इस खौफ से रेस्ट नहीं करो कि यार मुझसे कप्तानी छिन जाएगी, तो कप्तानी या किसी की मिराज नहीं है या मेरी जगह छिन जाएगी अंदर की। आपको कप्तान बनाया गया था ना, तो किसी से कप्तानी ली थी ना वापस। लेकिन अभी आपकी परफॉर्मेंस बुरी नहीं है ना, मुझे आप बताएं बाबर आजम नहीं पता, लेकिन ये तो आज आप लोग मुझे पता बाबर आजम जानते नहीं है, लेकिन पॉइंट ये पसंद ना पसंद को साइड में रख के स्टेट्स पे बात करें। नहीं नहीं, तो हम तो कह रहे हैं बाबर आजम खेले भाई। पहले दो पॉइंट है ना इसमें, एक तो पॉइंट ये है कि आपकी बात में दो पॉइंट नजर आ रहे हैं मुझे जी। ये पहली बात तो है कि पीसीबी उनको रेस्ट कराना चाह रहा, वो मना कर रहे हैं। सर उसकी वजह है ना, दो पॉइंट इसलिए नजर आ रहे हैं क्योंकि एस प्लेयर उसको सोचना चाहिए रेस्ट करे। लेकिन अगर वो नहीं कर रहा तो उसके पीछे वजह होगा जाना कि उसके ऊपर ऑलरेडी इतना मीडिया ट्रायल चल रहा है। शाहीन आफरीदी ने पीएसएल के मैच जिता दिए तो उसकी नेशनल टीम की खिड़ी भी है। अगर तीन अफगानिस्तान नेशनल मैच जिता दिए तो फिर तो वो बोलेगा तो मैं पक्का गया। खौफ किसी पे होता है, होता है लेकिन होना नहीं चाहिए। इसलिए कि आपने तीन साल कप्तानी कर ली है और तीन साल कम नहीं होता कप्तानी। और पीसीबी ये कह के खुल उठाएगा कि आप ये सीरीज जो शायद जीते या हारे उसके बाद आप कप्तान नहीं रहोगे। पीसीबी तो ये कह के बता रहा है कि आप रेस्ट कर लो, ये जो भी इसके साथ दो चार प्लेयर हो रहे सर माफ कीजिएगा, ये आपका पीसीबी है ना, ये जो आपका पीसीबी है ये जब सरफराज जैसे को जिसने 32 में से 28 मैच जीते हुए हो, जिसने दो साल टीम को नंबर वन से नंबर टू बना ले गया, टू पर भी नहीं लाया, एक उतना कहने को ले आया टू पे ले आया यार, कि कभी बोले यार कि कंजर्वेटिव नहीं, वो हिला ही नहीं उस नंबर वन से टीम, उसको रात रात आपने हटा दिया, तो पीसीबी का तो अल्लाह ही आप उसकी तो बात ही नहीं करेगा। फिर अब आपको समझ जाना चाहिए सीधी बात के जब आप एक विनिंग कैप्टन से जीत ले सकते हो तो फिर बाबर आजम की कामयाबी की परसेंटेज सरफराज के मुकाबले में तो नहीं है ना। तो अगर सरफराज को आप उस वक्त कैप्टन बना सकते हो कि जब सरफराज से कैप्टनशिप ली, आपने तीनों फॉर्मेट का कैप्टन उसे बना दिया, तब तीन साल हो गए ना भाई। तीन साल में अगर आपको कहा जा रहा है कि भाई एक दो सीरीज के लिए आप रेस्ट कर लो, तो आपके जहन में ये क्यों आ रहा है कि मेरी सीट जा रही है? क्योंकि आपका पास रिकॉर्ड आपके बोर्ड का ऐसा है, मैं रिकॉर्ड भी बता दूँ बाबर आजम का पब्लिक को अपनी, क्योंकि बात नॉक आउट होती है हकी हकी और सच की बात। बाबर आजम ने 62 T20 मैच में कप्तानी की है, 62 और 62 में से भाई साहब 37 मैच जीते हैं, 62 में से 37 मैच जीते हैं, जिसमें 14 घर पे और 23 अवे फ्रॉम होम जीते हैं जी। ये भी मैंने आपको ब्रेकअप दे दिया और 20 मैच हारे हैं, 62 मैचों में से सिर्फ 20 हारा है, 42 मैचों में से 37 जीता, बाकी रिजल्ट गया है और 64.91% का उसका विनिंग रेशो है, जो कि शोएब मलिक, मोहम्मद इमाद, मिर्ज़ाउल हक और शायद अफरीदी का भी नहीं था, यूनुस खान का भी नहीं था, वसीम अकरम का भी नहीं था। ओके और इन सारे कामों में बाबर आजम का अपना स्कोर 1949 है जी। कंप्लीट हो गया। अब आप मुझे ये बताइए, आपने मुझे सारे स्टेट बता दिए ना कि ये इतने जीते ये परसेंटेज, ये पाकिस्तान की टीम T20 में किस नंबर यार? 4th या 5th पे होगी, मैं वो भी देख लेता, ये भी देख लिया कब से, मैं वो भी देख रहा हूँ, देख रहा हूँ मैं समझ गया आप लोगों का पॉइंट। हाँ वो भी देख रहा हूँ ना, वो तो आपने उसकी अपनी जाति परफॉर्मेंस बता दी ना कि भाई ये मैं आपको जाति नहीं, मैंने विनिंग बताई है, विनिंग बताई है। उसकी विनिंग के बावजूद पाकिस्तान टीम किस पोजीशन पे है T20 रैंकिंग में, किस पोजीशन यार बता रहा ना, आप लोग तो प्रेशर दे रहे हैं। उसके लिए तो ये बेहतर आपकी परफॉर्मेंस और अच्छी हो सकती है, मतलब जो भी लड़के उसके साथ हैं उनको रेस्ट करने। और ये हम अभी आपसे एक दो दिन पहले जो बात कर रहे थे ना, ये जो तीन मैच से उनकी बैटरी चार्ज हुई है, तेज खेलना शुरू किया है ना, उसके पीछे बात ही यही है कि चूंकि उसको गियर चेंज किया, उसको पता था कि मैं
हम मैं और रिजवान ऊपर आके 10-12 ओवर स्लो खेल जाते हैं तो हम पे बहुत तनकीद होती है। तो अब जब ये तमाम चीजें उठी तो उन्होंने फौरन अच्छा भी बता दूं नॉट बैड, सबसे पहले बता दूं बाबर आजम इज एट नंबर 3 इन टी20 रैंकिंग एज प्लेयर एज बैट्समैन। नहीं मैं तो बुरी बात करूंगा, टीम में भी आ रहा हूँ, मैं टीम में आ रहा हूँ, कोई इतना बुरा नजर नहीं है। बाबर आजम नंबर 3 पे और 2 पे रजवान है और टीम के रैंकिंग नंबर 3 है इस वक्त, बट नंबर 3 इज नॉट बैड एट ऑल। पब्लिक बता दे मुझे नंबर 3 पे बाबर आजम, नंबर 3 पे पाकिस्तान की टीम, नंबर 2 पे रिजवान, 64.91% ऑफ का विनिंग रेशियो टी20 में, चाहे तो वनडे की भी और सबका बता दूं वनडे में तो छठे ही नंबर पे होंगे आप। तीसरे पहले पे इंडिया है 69 पॉइंट पे, दूसरे पे इंग्लैंड है, नहीं सॉरी पहले पे इंडिया 267 पॉइंट पे, दूसरे पे इंग्लैंड 266 पॉइंट पे, तीसरे पाकिस्तान 258 पॉइंट पे, 7-8 पॉइंट का फर्क है बस। अब ये यही आप जरा पीछे न्यूजीलैंड आपके नीचे, ऑस्ट्रेलिया आपके नीचे, वेस्ट इंडीज आपके नीचे, श्रीलंका आपके नीचे, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, जिम्बाब्वे सब आपके नीचे, यही आप सरफराज की निकाले। यार वो तो मैं बात ही नहीं कर रहा, वो तो ऑलरेडी मैंने तो पहले मैं बात सुन बताया कि वो तो बेहतरीन कप्तान था। नहीं अभी बाबर आजम की बात हो रही है, उसका उसकी जीतने का रेशो और टीम के पोजीशन क्या थी, हिंदी नंबर 1 थी, ठीक है ना। तो उसको कप्तानी से हटाया गया ना, बाबर आजम को लाया गया, बिल्कुल तो आज 3 साल बाबर आजम को हो गए ना, पाकिस्तान नंबर 1 पे नहीं आ सका ना। तो भाई अगर आपको कुछ दिनों के लिए ये कहा जाए कि आप रेस्ट कर लो तो आपके जहन पे क्यों डर खौफ सवाल, क्यों समझते हैं आप कि मुझे कप्तानी से हटा दिया जाएगा, टीम से ना किसी भी आप किसी प्लेयर को इतना पावरफुल होने ही नहीं देता है। प्लेयर पावर तो होनी भी नहीं चाहिए, होनी चाहिए लेकिन प्लेयर भी यार एक प्लेयर दुनिया में झंडे गाड़ रहा है। मैं बाबर आजम नंबर मैं यार मैं निकाली दूं बाबर आजम प्याज केस हो जाए, मैं लोगों की चैट पास पढ़ता हूं। नहीं हमें नहीं चाहिए उसके लाए डंडे गड़ला में, हमें इससे क्या लेना देना। हम तो एक बात ये पाकिस्तान थर्ड पे भाई, हम तो एक बात ये कह रहे हैं क्या होता है उसको ये कहा जा यार सफर भाई प्लीज क्या ये तो ज्यादती है। ये तो आपको कितने बार बाजी में जाएंगे, मैं सरफराज आप नंबर 1 पे किस चीज रख दिया आपको ये बता दें यार, ये तो बात ही नहीं सरफराज के अलावा श्रीलंका के खिलाफ मैच हारा था, ऐसा अली का डेब्यू था। लेकिन नहीं ये आप लोग ज्यादा कर रहे हो कि सरफराज से मुकाबला नहीं हो रही, हम मुकाबला नहीं कर रहे हैं, हम आपको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं, आप समझ रहे हैं मुकाबला। आप लोग बार बार सरफराज की बात कर रहे हैं, बाबर की शेयर की बात कर रहे हो, हम ये सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जब उससे कप्तानी ली जा सकती है, क्योंकि सरफराज की बैटिंग कैसी भी हो उसके अपने कप्तानी में आखिर नंबर दो दुनिया के आखिर बैट्समैन के तौर पर, लेकिन उसकी कप्तानी में वो 2 साल या 3 साल वो नंबर 1 टीम रही, इनको 3 उसके हटाने के बाद इनको बनाया गया, इनको बनाने में बनने में 3 साल हो गए, उसमें एक दफा भी नंबर 1 पोजीशन पे नहीं आया यार, 2-4 घंटों के लिए कभी आ गए हो तो। अच्छा मुझे बताएं फिर जफर भाई थोड़ी सी देखें बात, मैं मान लिया नंबर 1 पे नहीं है लेकिन यार आपको पाकिस्तानी क्रिकेट की पिछले 60 साल से खेली जा रही है, कितने प्लेयर नंबर 1 पे ले आए। अच्छा इस बात को ही छोड़ दे। अच्छा ये एक नई बात, टी20 का वर्ल्ड कप चले 2007 से, शुएब मलिक मैं कप्तान बता रहा हूँ, शुएब मलिक फाइनल में लाए, यूनुस्तान ने जिताया, और आगे 2009 के बाद 10 में अफरीदी सेमीफाइनल में बाहर, 12 में हफीज सेमीफाइनल में भी नहीं आए, उसके बाद 14 में कौन था मिर्बाउल फारिग राउंड मैचेस से फारिग, उसके बाद आए आपके ये सरफराज टी20 के वर्ल्ड कप में दूसरी बार सका था अनफॉर्चुनेटली, उसके बाद एक और कोई मुझे याद नहीं आ रहा। बाबर आजम की कप्तानी में 2 खेले, एक में फाइनल में एक में सेमीफाइनल में, उससे क्या फर्क होता है, फर्क होता है आप फाइनल में पहुंच गए, वैल्यू बढ़ती है आपकी ब्रांड, आपके पीएसएल में इतने प्लेयर्स क्यों आ रहे हैं, क्योंकि आपकी क्रिकेट ऊपर जाती है तो आपको प्लेयर आगे जाता है। अक्सर आप इतना जो बाबर आजम की डिफेंस में जा रहे हैं तो बाबर आजम को निकाल कौन रहा, मैं तो निकाल रहा है क्या टीम से,
यार उसे तो खुश होना चाहिए कि अगर आप एज ए बैट्समैन खेलोगे तो आप 3-1 पे भी आ सकते हो। अकेले ही नहीं निकल रहा, उसके साथ 4-5 प्लेयर को और रेस दिए जा रहा है, अकेले ही नहीं रेस दिए जा रहा। तब आप बार एवर इसके लिए तो नहीं हो रहा कि आप ही खेलोगे कोई और वो भी सेल्फिश कह रही हैं, उनको सैयद साहब भी सेल्फिश कह रहे हैं और समझ में नहीं आ रहा ये। नहीं नहीं, जो लोग देखते हैं ना वही महसूस करते हैं। अगर मैं पब्लिक ओपिनियन पाला, पब्लिक पर्सपेक्टिव, पब्लिक ओपिनियन ही बनाया जाता है और पब्लिक ओपिनियन थ्रू मीडिया बनता है और थ्रू मीडिया बाबर आजम को एस्टेब्लिश करा दिया है। हमारे यहाँ देखेंगे हिस्ट्री तो है, आप लोग मुझसे ज़्यादा तजुर्बा कार उम्र में जाते हैं कि जो चढ़ता है उसे पूजने वाले क्या, उसे खींचने वाला माना जाता है। तो फिर ये कप्तान बनने वाले को भी सोचना चाहिए। वो क्या सोचेगा यार, एक ऑर्गेनाइजेशन में आप भी सोच रहे हैं अगर आपको अब हटाया जाए या आप उसको सोचोगे हैं उस वक्त। सॉरी सॉरी, अमीन शकील कह रहे हैं मैं बाबर का फैन हूं। आप अमीन सॉरी, मुझे आपके कमेंट से लगा क्या हो गया। नहीं, आप फैन तो बहुत है, हजारों लोग हैं, हम भी है। ये कौन से फैन है आप? हम एज ए बैट्समैन है लेकिन फैन है हम उसके T20 के हक में नहीं है। वनडे खेले, टेस्ट खेले, बहुत रोज प्लेयर है दोनों में, नो डाउट। लेकिन T20 में, अच्छा T20 में खेले ओपन क्यों आ रहा, उसमें वनडे में ओपन क्यों नहीं आता, टेस्ट में ओपन क्यों? यार भाई यार आप लोग समझ में नहीं आ रहा, सवाल है नहीं पब्लिक से भी है, पब्लिक से क्या आप बात करें, दुनिया भर में तीनों की लाइनअप अलग अलग होती है। टेंडुलकर ओपन आता था वनडे में, T20 का था नहीं, क्यों आता था 4th-5th नंबर पे वर्ल्ड कप टेस्ट मैच के अंदर? आप पकड़ जमा में क्यों नहीं ओपन कराते यार? आप सवाल बदलिए, आप भी ठीक कर रहे हैं, आप अपना सवाल ठीक कर रहे हैं। नहीं वही कप्तान, अब ये गेम नहीं समझ, कप्तान है तीनों फॉर्मेट का। उससे एसोसिएट सवाल कर रहा हूँ, जो जेन्युइन ओपनर है उनको आपने बना दिया 5th-6th नंबर का प्लेयर। जो 6th नंबर का प्लेयर है रिजवान और जो 4th नंबर का प्लेयर है बाबर आजम, वो डिलीवर कर रहे हैं ना, वो डिलीवर क्या कर रहे हैं? 12 उनका प्लान यही है, 10 ओवर में 60 रन बनाते हैं, टीम की शेयर की एवरेज से। उनका प्लान यही है कि हमारे रिकॉर्ड अच्छे होंगे, 12 ओवर 13 ओवर खेल जाओ, 6 रन 7 रन बनाओ, फिर से बस खत्म। बेबी बेबी कह रही है, ये बेबी बेबी तो मुझे पता लगता है वो पोएम पढ़ रहा हूं। बेबी बेबी इस्लामा वाली, शुक्र है कि शुक्र है जफर साहब सेंटर में बैठे हुए हैं, वरना मौत से मार अपने पापा से पिट जाते। तुम भी आता भाई, मैं ये डिस्कशन हो रही है, मैं डिस्कशन ऑफ द कैमरा भी अच्छी चलती है। मेरा अंसारी कह रही है सरफराज जबरदस्त है, बस देखिए बाबर आजम और रिजवान की पोजीशन। मेरा अंसारी के 14 ओवर में 100 कर लो, अपने आप को अगले मैच के लिए पक्का कर लो। यार आप हो ही नहीं ओपनर, आप बुनियादी तौर पे ओपनर हो ही नहीं, आपने जबरदस्ती ओपनर की जगह जो पहली सेंचुरी मारी थी ना पीएसएल में रिजवान ने, वही न्यूजीलैंड का एक्स फास्ट बॉलर है जो आजकल कमेंट्री कर रहा है जी। अभी याद नहीं आ रहा मुझे, साइमन डू, साइमन डू, उसने आपने उसके रिमार्क सुने थे, कमेंट सुने थे इसके? हाँ उसने उसने बड़ा, लेकिन उसके बाद की नहीं सुनी आपने? नहीं उसके बाद की भी सुनी, लेकिन भाई वो तो एक क्रिकेटर रहा है, आज माफी मांगी उसने बाबर आजम से। जब उससे लोग माफी मांगने को बोल रहे थे, उसने कहा माफी नहीं मांगू, अपनी बात करके अभी तक स्टैंड करता हूँ। उसका आखिरी इंटरव्यू था, अब बीच में लोग पढ़ गए होंगे डेनी मॉरिसन वाले या दूसरे जिनको बार बार पाकिस्तान बुला लेता है। बात यही है ना कि आपको चढ़ते सूरज के ऊपर बात करें, चढ़ो सूरज पे बात करता तो मैं बाबर आजम को तो है ना, जो बाबर आजम को डायरेक्ट कर रहा हूं बात सुनेगा। अरे चढ़ते सूरज की बात होती है ना, बाबर आजम की नहीं नहीं, मैं आपकी बात ये है, ये देखें साइमन डू, मैं पब्लिक को दिखा देता हूं, मैं दिखा दूंगा, मीडिया दिखा दूंगा, नहीं मैं पब्लिक को दिखा देता हूं, साइमन डू ये है, मीडिया पे आ चुका है, नजर आ रहा है सर आप जरा सीधे नजर मारिए, मीडिया पे आ चुका है। लेकिन बात ये है कि बात फिर वही आ रही है कि अगर बोर्ड, आप बोर्ड के मुलाजिम हो ना, आप क्या हो, आप पाकिस्तान की टीम के कप्तान हो, तो आप हो तो पीसीबी के मुलाजिम ना, उन्होंने आपको कप्तान अपॉइंट किया हुआ है,
ठीक है, अगर वो ये चाह रहे हैं कि भाई दो सीरीज या एक सीरीज आप रेस्ट कर लो, तो क्यों, मतलब आप क्यों ये कह रहे हो कि नहीं मैं तो खेलना चाहता हूँ, मैं तो फॉर्म में हूँ। अरे सुरेंद्र एक बात, वो अकेले नहीं, चार पांच लड़के और हाँ। तो मतलब ये तो फिर आप अपने, अगर वो अकेले हो गए फिर बात नहीं आती क्योंकि पॉलिटिक्स है, तो फिर वही बात है ना कि आप प्लेयर पावर दिखाने की कोशिश कर रहे हो, ग्रुप बना के है ना आना चाह रहे हो, तो अगर बोर्ड आप बोर्ड पे हावी होने की कोशिश कर रही है, काश कोई ऐसा आ जाए जो सरफराज को भी इंसाफ दिलाए। सरफराज इज हिस्ट्री सूबिया, सरफराज हुमैर अंसारी भी सरफराज के बारे में कह रही थी, सरफराज एक हिस्ट्री हो चुका है, सरफराज को लोग भूल जाए, ठीक है वो तो हिस्ट्री तो हर एक में, सरफराज ही क्रिकेट में कुछ नहीं बाकी रहा भाई, जो बात है मान ले लेंगे, हिस्ट्री तो ये हिस्ट्री तो बाबर आजम ने भी होना है, सभी हो जाते हैं, मैं हिस्ट्री तो सबने होना है, तो ये तो अभी से खौफ के इनके ऊपर पूरा ग्रुप बनेगा, मैं तो मेरा तो इस वक्त जो गुस्सा है वो है ही यही, मैं आर्गुमेंट आपको कर रहा हूँ यार, वन मैन शो चलाते इमरान खान कप्तान था ना, आज तक जो कप्तानी में उसको स्किपर कहते हैं, क्योंकि एक कप्तान था सोच में को अगला कप्तान आना सवाय मियादाद के, मियादाद ने गिरफ्त कर दिया, आज जब आप छह कप्तान डाल लोगे तो लड़ाई होगी अंदर, नहीं छह कप्तान कहाँ है यार, शायद आपको अपनी कप्तानी नजर आ रही है, शाहीन को कप्तानी नजर आ रही है, बाबर आजम कप्तान, पीएसएल की टीमों में आप कप्तान बने हुए हो, तो आपने कैसे जहन पर तसव्वुर कर लिया कि हम पाकिस्तान की टीम, ऐसी होती है ना, नहीं ये थोड़ी है, सरफराज दिलों में है सोबिया के लिए, आप आए तो वहीं से हो ना, पीएसएल से, अच्छा आप बताएं आप हक में है रोटेशन पॉलिसी के, क्योंकि बॉस कह रहा है कि भाई आप रेस्ट, और उसको अकेले को नहीं कह रहा, चार पांच लड़कों को, उनकी ज्यादा मेहनत करने की वजह से, ज्यादा वर्कलोड की वजह से, फिर आप तीन मैच के लिए या तीन मैच के लिए रेस्ट कर लें, तो वो दूसरे एंगल पे क्यों ले जा रहे हैं, मान लिया वो लोग क्यों ले जा रहे हैं, टॉपिक को थोड़ा सा शिफ्ट करते हैं, ये हम आप आर्गुमेंट कर रहे हैं, दुनिया में रोटेशन पॉलिसी होती है, उनके क्रिकेट बोर्ड और उनके प्लेयर के में कम्युनिकेशन बड़ी स्ट्रांग होती है, क्या आप भी क्रिकेट बोर्ड को नहीं जाता पहले की प्लेयर बाबर आजम की है ना या शादाब की प्लेयर, उनको बुला के उन्हें कॉन्फिडेंस में लेने के बाद ये बात डिक्लेयर लीक करते, तो किसी भी मतलब रिस्पेक्ट नहीं करता प्लेयर्स, नहीं तो अभी डिक्लेयर तो कहीं भी नहीं, न्यूज कैसे आई, न्यूज पापा सोर्सेज से निकल के आती है, आती है ना, लेकिन अभी सरकारी तौर पे ऑफिशियली तो कोई न्यूज नहीं आई ना, हम तो सिर्फ जो न्यूज निकली है इधर उधर से लोगों ने, हम उन पर डिस्कस कर रहे हैं, न्यूज भी कह सकते हैं रूमर भी कह सकते हैं, रूमर भी कह सकते हैं, ये है ऐसा कुछ भी ना हो सर, अभी कल प्रोबेबली सॉरी फाइनल के अगले दिन डिसाइड हो जाएंगे, तो मैं वही कह रहा हूँ ना कि ऐसा कुछ भी ना हो सकता है सब ऐसे ही चल रहा हो जैसे चल रहा है, हवा में चल रहा है ना, तो अभी कोई ऑफिशियली वहां से अनाउंस नहीं हुआ है, लेकिन सवाल ये है कि अगर वो ऑफिशियली अनाउंस करते भी हैं, हो सकता है कि वो इनको बैठाल के कहें कि भाई हम आपको रेस्ट करा रहे हैं, ये खबर हमारे पास आपके पास थोड़ी आएगी कि अगर बोर्ड उन्हें बुला के कहता है, अगर ये कंसेंसस के साथ न्यूज लीक होती है ना, तो प्लेयर बिल्कुल हाथ उठा के जवाब नहीं देते, हमें तो नहीं पता कुछ भी ऐसा, मतलब ऐसा नहीं है बाबा, इतना बच्चा कोई नहीं है, न्यूज निकलती सोर्सेस से ही है, अगर निकलती भी है तो आपको उस पर रिएक्शन दिखाने की जरूरत क्या है, प्लेयर को रिएक्शन नहीं, जब तक के कोई नोटिफिकेशन ना आ जाए पीसीबी का, देखो तो सवाल कर रहे हैं ना मीडिया, सवाल कर रहा है क्या जवाब देगा, अगर आज मैं सवाल करूँ आप क्या, वो ये जवाब दे रहा है कि भाई मुझे ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है, मुझ तक ऐसा कुछ बताया नहीं है, तो अगले साल नहीं, अगर ऐसा है तो अगर ऐसा है तो मैं कमिटेड टू नहीं हूँ रेस्ट करने के लिए, मैं करना नहीं चाहता रेस्ट, और अगर किसी भी सोच भी मुझे बताएगी तो मैं ये जवाब दूंगा, मुझे रेस्ट करना नहीं, मुझे जवाब दे और क्या देगा, इसमें इतनी परेशानी है, मतलब अब न्यूज मीडिया ने उठा लिया बहुत, मतलब बाबर आजम की रजामंदी के बगैर रेस्ट कराया जा रहा है, उठा ली मीडिया, क्या हुआ बाबर आजम को इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर लगे हुए हैं क्या, बॉस इसको चाहे है, बॉस इज ऑलवेज राइट है, मतलब आपका मूड देख के कहा जाएगा हुजूर आप से गुजारिश है कि आप रेस्ट कर ले तो ज्यादा मेहरबानी होगी, ठीक है बॉस तो बॉस है ना, बोर्ड तो बोर्ड है जिसके आप मुलाजिम है, जिससे आप तनख्वाह ले रहे हैं, बहरहाल मेरे ख्याल से वहां तो बाबर आजम को ये जवाब देना चाहिए था कि भाई मुझ तक ऐसी कोई खबर नहीं है, लेकिन अगर आप फिर भी कह रहे हैं कि अगर ऐसा हो
तो वो कहेंगे ठीक है, अगर बोर्ड मुझसे कहता है कि भाई आप इस सीरीज में रेस्ट करें तो मैं सोचूंगा क्या करना, खत्म बात सोचूंगा। न्यूज आई है पापा, आपके सूत्रों ने कुछ बताया था, एक ट्वीट आई है, अब इसकी भी कंफर्मेशन पता चलेगी। शाहीन आफरीदी हैज एग्रीड टू कैप्टन टीम पाकिस्तान ड्यूरिंग पाकिस्तान सीरीज। बाबर आजम, रिजवान, शादाब और हारिस आर लाइकली टू बी रेस्टेड, उनको रेस्ट कराया जाएगा। आप भी क्या नाम लिया शादाब की जगह नवाज करी। हाँ, और इनके जो खेलेंगे साइम अयूब, आजम खान, इमाद नसीम, लेकिन चौथा एहसानुल्लाह, नॉट जवान खान। हो सकता है, हो सकता है। अपनी जो वीडियो बनाई थी एहसान उल्लाह, वो तो उसमें भी अमेंडमेंट हो सकती है, एक दिन पहले वो तो चॉइस है, एवरेज क्योंकि उसकी परफॉर्मेंस में है ना, अगर हम माद वसीम का और इस परफॉर्म पीएसएल की परफॉर्मेंस पे ले रहे हैं तो फहीम अशरफ की, फहीम अशरफ को ले लेंगे ये एज ए बॉलिंग ऑलराउंडर। देखिए अगर शाहीन आफरीदी होंगे उनके साथ एक बॉलर और होगा तो इस साइड में कहीं हसन अली या फहीम अशरफ, माद वसीम ट्रेंड कर रहे हैं इस वक्त इसमें, और हैदर अली भी कर रहे हैं ट्रेंड, मेरे लिए भी रीजन है अरे सरफराज को तो जहरी मरीज बना दिया है सबने मिलकर। सरफराज की कराची में फैन फॉलोइंग बहुत है, जबरदस्ती की है मुझे लगता है। नहीं जबरदस्ती कोई नहीं किसी को, मुझे क्या दे रहा है वो अखिल क्या है, नहीं नहीं आपकी यही है नहीं वो मेरे जो लोग भी है ना उसको खेलते देखा है, उसको कप्तानी करते देखा है, उसको तो मतलब कप्तान तो ये बहुत देर में बनाएगी ना, बहुत देर उसको सरफराज को, और उसको भी बहुत बड़ा गैप है, जब सिटी ने ही बनाया था उसको भी सरफराज को बनाया था उसको। हाँ 2017 शायद तीनों फॉर्मेट का बना है। लेकिन हकीकत यह है कि अब अफगानिस्तान की सीरीज जो आ रही है शारजा में तीनों मैचेस, अब अभी तो ये चार मैचेस प्ले ऑफ के हो जाए, उसके बाद आज लेकर आज मैच मतलब अगले मैच भी बता दूँ, डेट्स बता दूँ पब्लिक को, जो हमारी पब्लिक देख रही है उसको डेट्स बता होनी चाहिए। अच्छी चीज़ ये है भाई कि हमने आपको 13 फरवरी से लेके आज 13 फरवरी से 12 मार्च कंसेक्यूटिव एक महीना हमने विदाउट अ गैप हमने आपको मैच दिखाए और अपने एनालिसिस दिए हैं विदाउट अ गैप, एक दिन में छुट्टी नहीं की, जो कि अचीवमेंट है और जिसमें बहुत बड़ा क्रेडिट मेरे लेफ्ट पे बैठे साहिबान को जाता है कि मैं तो खैर फिर भी दो दिन आउट स्टेशन था बट मेरे पीछे कंटिन्यू रखा और लीग के सारे मैच कवर हो चुके हैं, मैंने लीग मतलब राउंड के सारे मैच खत्म हो चुके हैं और हमने हर मैच अच्छा हो बुरा हो बोलने को हो या ना हो हमने किया है। और हमारा डेब्यू है फर्स्ट एवर प्रोग्राम में, पहले प्रोग्राम करते थे हमारे जफर भाई वो रिकॉर्डेड था तो रिकॉर्ड में हम बहुत कुछ कर सकते थे, अब हम लाइव कर रहे हैं और लाइव का पहला सेशन था, पहला एक घंटे का प्रोग्राम था हमने कंसेकटिव किया है तो उसके लिए मैं इन लोगों को थैंक यू करना चाहता हूँ। प्ले ऑफ में अब जो हम करेंगे वो बता दें, प्ले ऑफ है जी 15 मार्च को पहला क्वालिफायर वाला, 15 मार्च मतलब 13, 14, 15 वेडनेसडे को, कल और परसों छुट्टी है, 15 मार्च को है, उसके बाद 16 मार्च को है इस्लामाबाद और पेशावर का, और 17 मार्च को फिर इस्लामाबाद पेशावर में जो भी जीतेगा उसका है लाहौर या मुल्तान। और देखो कितना फायदा है बाबा, पहली टीम जो लाहौर और मुल्तान के उनमें से जितना डायरेक्ट फाइनल में, फिर हारने वाले को एक दिन का गैप मिलेगा, उसके बाद तीसरे जाने मैच खेलेगा, जबकि उनका नुकसान क्या है जो इस्लामाबाद ने बेबूखी किया कि तीसरे चौथे की टीम जब खेलेगी जीतेगी तब भी उसको फाइनल दोबारा मैच खेलना है और अगले दिन ही खेलना है, अगले दिन खेलना है, तो ये नुकसान है। 15, 16, 17 और 19 हमारे इस प्रोग्राम की 4 एपिसोड रह गई है, 15, 16, 17 and 19 बुध, जुमरात, जुम्मा और फिर जाके संडे, 4 मैचेस रह गए हैं,
और इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश हम चार में लैंड करके रिकॉर्ड कायम करेंगे नॉक टू आउट पे कि हमने एक एक मैच किया था लेट का कवर। तो मेरे ख्याल से मेरी टीम बता रहे हम कितनी देर रात रहे अभी तक मैनेजर सुनील भी दे रहे हैं ठीक है। तो जफर भाई कल और परसों छुट्टी है दो दिन आप लोगों को भी आराम है जैसे टीम को आराम है आप लोगों को भी आराम है अपने ऐसे बोर्ड के साथ चुन कर रहा है मजबूरी है मुल्क के साथ तो खेलना है तो क्या करें के साथ खेल रहे लोग और क्या कहें। दो सवाल है मैंने तो आपसे कहा कि एक तो या तो बोर्ड जब बात करेगा तो मामला बहुत अच्छे हो जाएंगे जब मीडिया से डायरेक्ट टॉक होती है तो ये मसले आते हैं। अब देखते हैं कि कहां पर बात जाकर ठहरती है। मेरे ख्याल से आज के लिए डिस्कशन को यही एंड करते हैं इंशाल्लाह ताला कल छुट्टी परसों छुट्टी 15 तारीख को लाहौर वर्सेस मुल्तान के मैच के बाद हम आपसे मिलेंगे फाइनल में हम आपको तकरीबन 2.5 घंटे का लाइव शो देंगे जिसमें डिटेल में मैच हम होंगे आपके साथ उसकी डिटेल आपको आने वाले वक्त बताऊंगा। बट बहरहाल अब अगला शो हमारा होगा 15 तारीख को दैट इज ऑन वेडनेसडे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा हमारे वीडियोस को मैक्सिमम स्प्रेड करें। मैं अपने तमाम व्यूअर्स से कह रहा हूँ जहाँ जहाँ ये वीडियो देखी जा रही है कि जितने मैक्सिमम हमारे सब्सक्राइबर आप करा सकते हैं जितनी ये वीडियो को मैक्सिमम स्प्रेड कर सकते हैं काइंडली करें। वी नीड सब्सक्राइबर वी नीड टू हिट द 1000 मार्क वी आर ऑलमोस्ट एट 768 मे बी और समथिंग लाइक दैट। तो हमें 200 सब्सक्राइबर की जरूरत है तो जस्ट स्प्रेड द वीडियो एज पॉसिबल ये हमारी रिक्वेस्ट है आपसे। अपना खूब ख्याल रखिएगा मुझे जफर भाई और सोहेल साहब को इजाजत दीजिए मिलते हैं आपको 15 तारीख को 2 दिन की छुट्टी के बाद। तब तक अपना ख्याल रखिएगा हम तीनों की तरफ से अल्लाह हाफिज़।